नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में अमेठी के एक हत्या के आरोपी ने कोतवाली नगर में सरेंडर किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अमेठी में अपनी पत्नी की हत्या की और फरार होकर सुल्तानपुर में सरेंडर कर दिया। अमेठी में एक महिला पर दबंगई का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक महिला जबरन रास्ते में निर्माण करा रही है। अमेठी में जामो थाने के अलीपुर गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को किसी जहरीले जानवर ने काटा था। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना बाजार शुक्ल के जलाली में दबिश दी। इस दौरान 18 लीटर शराब बरामद करते हुए टीम ने 200 किलो लहन नष्ट किया। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना संग्रामपुर के ग्राम देवड़सा में दबिश दी। इस दौरान 49 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 500 किलो लहन नष्ट किया गया। अयोध्या में छपरा लखनऊ एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या में रामघाट हॉल्ट स्टेशन के पास कुछ लोगों पर मांसाहारी भोजन पकाने का आरोप लगा है। संतों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या में कैंट पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई कार और 3,97,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बहराइच में थाना रुपईडीहा पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 121 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। रामपुर में थानागंज पुलिस ने अमीर हुसैन नाम के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 300 ग्राम चरस बरामद की गई है। औरैया के इरवा कटरा क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स तमंचा दिखाते हुए वीडियो बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। औरैया में एक थाने में चौकीदार के पद पर तैनात छविनाथ नाम के शख्स को बदमाशों ने बांध कर खेत में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों का चौकीदार से पहले ही विवाद हुआ था। बरेली में फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्कर कलुआ उर्फ शाहिद की 9,54,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई। इस कुर्की के तहत आरोपी के मकान, दुकान और खेत की जमीन कुर्क की गई है। मुरादाबाद में थाना कटघर के पीतल बस्ती के पानी की टंकी के पास बने पार्क में एक बीकॉम के छात्र को गोली मार दी गई। पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और 200 किलो लहन बरामद किया गया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।